न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। तालमेल कमेटी के आह्वान पर आज रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये को लेकर गेट मीटिंग की और जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि पिछले माह कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान सरकार ने अनेक कर्मचारियों पर एस्मा जैसा काला कानून लगाकर भय का माहौल पैदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार और आज़ादी है, मगर सरकार दमनकारी नीतियों के तहत रोडवेज के आंदोलन को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवहन के बेड़े में 720 बसें हायर करने का जो फैसला लिया है वह सरासर गलत है। उसी के विरोध में किए गए आंदोलन के दौरान सरकार ने अनेक कर्मचारियों को झूठे केस बनाकर सस्पेंड कर दिया, लेकिन कर्मचारी अब चुप नहीं बैठेंगे और 6 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र में भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचकर मंत्री की कोठी का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 टीमें गठित की गई हैं, कर्मचारियों को जागरूक कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने समय रहते अगर अपना फैसला नहीं बदला तो 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा और अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो उनका यह आंदोलन अनिश्चितकाल में भी बदल सकता है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज का ये विरोध प्रदर्शन तालमेल कमेटी के आह्वान पर सरकार की तानाशाही, विशेष तौर से रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के ऊपर एस्मा जैसे काले कानून लगाकर एक रोडवेज विभाग में भय का वातावरण जो सरकार पैदा कर रही है, संविधान में प्रदत्त अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति है, इसकी आजादी है, लेकिन सरकार दमनकारी नीतियों के तहत रोडवेज के आंदोलन को दबाना चाहती है, जिसमें विशेष तौर से 720 प्राइवेट बसें जो सरकार हायर कर रही है उनके खिलाफ 5 सितंबर को जो हड़ताल हुई उसमें सरकार ने दमनकारी नीतियों के तहत बहुत ज्यादा कर्मचारियों को इसमें लपेट करके झूठे मुकदमे बना करके सस्पेंशन किया गया है। इसके खिलाफ तालमेल कमेटी ने आने वाली 6 तारीख को परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र मतलोडा के अंदर बहुत भारी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी में उसके घेराव का ऐलान किया है। उसके जागरण के लिए तालमेल कमेटी की 6 टीमें पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को जागरूक कर रही हैं कि सरकार समय रहते प्राइवेट पॉलिसी 720 बसें हायर करने के फैसले को तुरंत रद्द करे। जनता की विश्वसनीय सेवा है, इस रोडवेज के बेड़े में नई बसें दे, अन्यथा सरकार के खिलाफ 6 तारीख को परिवहन मंत्री का घेराव के साथ साथ अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाली 16 और 17 तारीख को पूर्ण रूप से प्रदेश का पहिया जाम रहेगा एकदम। और सरकार की ये हिटलरशाही दमनकारी नीतियां अगर फिर भी जारी रहती हैं तो इस हड़ताल को अनिश्चित काल में बदल दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। धन्यवाद। आज रेवाड़ी डिपो के अंदर जो गेट मीटिंग की गई है इसमें हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता को जो गुमराह करके हरियाणा सरकार घाटे का नाम लेकर के इस विभाग को तालाबंदी करना चाहती है, हम बताना चाहते हैं ये विभाग घाटे में नहीं है क्योंकि 39 कैटेगरियों को सेवा देने के लिए प्रत्येक रोडवेज का कर्मचारी वचनबद्ध है। अगर इनको साथ लेकर के हमारे से टेबल पर बैठ के सरकार बात करे तो रोडवेज का विभाग फायदे में। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल में इस बीजेपी की सरकार में 4 बार प्रदेश को जलाने का काम किया, उसमें भी पुलिस प्रशासन को और पैरामिलिट्री को सेवा देने के लिए हर डिपो से 50-60 बसों को 4-4 महीने तक लिया गया, जिसमें परिचालक हमारा, चालक हमारा और तेल हमारा, ये हमारा 250 करोड़ का जो खर्च हुआ है, जैसे आगजनी में बसों को जलने का काम किया, ये हरियाणा सरकार की जो प्रशासनिक कारण जो ये हुआ है इसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। हम बताना चाहते हैं अगर हरियाणा सरकार नहीं बैक फुट पे आती है, विभाग को विभाग के अंदर इन पॉलिसी को रद्द नहीं करती है तो रोडवेज का कर्मचारी किसी लाठी और गोली से भयभीत होने वाला नहीं है।
आपने पहले देखा होगा एस्मा लगाई तब भी रोडवेज का कर्मचारी पीछे नहीं हटने का काम किया और आगे भी रोडवेज का कर्मचारी पूरी ताकत के साथ इस विभाग को बचाने के लिए जनता के विभाग को बचाने के लिए पूर्ण रूप से एक एक मत है और सभी यूनियनें एक साथ हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के सामने हर समय तैयार है। 6 तारीख की बात हो या 16-17 की हड़ताल की बात हो और सरकार हमारे बता दिया जैसे सरकार नहीं चेतती है टेबल टॉक पे नहीं बुलाती हमारे को और हमारी मांगों को जो मांगी हुई मांगे हैं उनको नहीं लागू करती है तो ये आंदोलन सरकार ने भुगतना पड़ेगा आंदोलन को जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार की। धन्यवाद।